नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जो रुपए में बेची गई है 12% की हानि पर 220 रुपए में। तो यहाँ पर लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। लागत मूल्य हो गया इज इक्वल टू क्रय मूल्य, राइट। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, क्रय मूल्य पूछा है। कह रहा है जो रुपए में बेची गई है, बेचने का अर्थ क्या है, रुपए में बेची गई है मतलब एसपी हमें दिया हुआ है, तो कितने रुपए में बेची गई है, 220 रुपए में। तो हम लिख लेंगे कि एसपी हमें कितना दिया हुआ है, 220 रुपए, 12% की हानि पर। तो हम जानते हैं एसपी हमारा क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, राइट। तो सीपी हमारा क्या होता है, 100%, और लॉस है हमारा 12% का, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 88%, राइट। तो हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, क्या दिया है हमें, एसपी दिया है, तो एसपी को हम एसपी से डिवाइड करेंगे, जो दिया है उससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि दूसरा एसपी हमारा क्या है, 88%, तो 88% से हम डिवाइड करेंगे। और निकालना हमें क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, 100% होता है, ये हम जानते हैं। तो जो पूछा है उससे हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई, राइट, परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा। तो काटेंगे 11 8 88, 11 2 22, 0, 4 2 8, 4 5 20, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 0, तो बचा क्या हमारे पास, 50 x 5, राइट। क्या बचा हमारे पास, 50 x 5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 25, यानी कि हमारा लागत मूल्य हमारा कितना आ गया, 250 रुपये। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।